ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे, जानकारी देंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए महाजून 2022 यानी जून का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन परिवार, फैमिली फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, आपका पराक्रम, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी लग्जरी लाइफ, आपका संतान सुख, विद्या एजुकेशन, नौकरी तरक्की उन्नति, ऋण रोग शत्रु, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस व्यवसाय पार्टनरशिप, विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, आपका करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मित्रों, यह फलादेश चंद्राशि पर आधारित है। चंद्राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर। सूर्य अभी वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके अभी मीन राशि में संचार कर रहे हैं और 27 जून को अपने स्वगृह मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके वृषभ राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके स्वगृह मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके अभी मेष राशि में संचार कर रहे हैं और 18 जून को अपनी स्वगृह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव स्वग्रही होकर अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। राहु आपके वक्री होकर मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु आपके वक्री अवस्था में ही आपके तुला राशि में संचार कर रहे हैं। आपके ग्रह गोचर की स्थिति बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि, पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ के लॉर्ड आपके मंगल अभी फिफ्थ हाउस में संचार कर रहे हैं। थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, तो टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, और आपका यहाँ पर मानसिक शारीरिक संतुलन थोड़ा आपके बैलेंसिंग गड़बड़ाएगी। कार्य करने की शैली, कार्य करने की अक्षमता में थोड़ा बदलाव, चेंजेस आएगा, थोड़ी वीक पड़ जाएगी और थोड़ा कन्फ्यूजन, असमंजस की स्थिति रहेगी। थोड़ा उत्तेजना का माहौल रहेगा, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहना, ये चीज़ें थोड़ा धैर्य और संयम रखें, थोड़ा शांति बनाए रखें, कोई भी निर्णय धैर्यपूर्वक और संयमपूर्वक लें और हेल्थ के प्रति थोड़े सचेत रहें। फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ के लॉर्ड देवगुरु की स्थिति मूल त्रिकोण में संचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। कोई नया इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें आगामी भविष्य के लिए तो कर सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है, कोई वाद विवाद चल रहा है दूर होगा। घर में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, कोई शुभ कार्य हो सकता है। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और परिवार वालों से आप लाभ गेन करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड हाउस की। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, नकारात्मक सोच है उससे बाहर आएंगे, सकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न होगी। छोटी मोटी यात्राएं करते हैं, उसके थ्रू आप बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी जॉब करते हैं, नए कनेक्शन, नए कम्युनिकेशन आपके बनेंगे, लाभ गेन करेंगे और आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनमें नए संबंध तो आपके संबंध स्थापित होंगे, के बीच में इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी, उनसे आप लाभ गेन करेंगे। और जो आपके सहकर्मी, आपके नीचे कार्यरत जो कर्मचारी हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं फोर्थ हाउस की। तो यहाँ पर जो दृष्टि बन रही है, शनि ने शश नामक योग बनाया, स्वग्रह मूल त्रिकोण राशि में संचार कर रहे हैं। तो यहाँ शश नाम का योग बनता है, पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। इससे पहले आप भूमि मकान या कोई वाहन लेना चाह रहे थे, कोई व्यवधान आ रहे थे तो आपकी योजना सफल नहीं हो रही थी, अब आपको योजना बनाएगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यहाँ पर आपको भूमि मकान वाहन की प्राप्ति आपको हो सकती है। इससे पहले वाद विवाद चल रहे थे दूर होंगे, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, निकल जाएगा। आपकी माता जी का आशीर्वाद मिलेगा, उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं। घर में सुख शांति में आपकी वृद्धि होगी, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। ऑल ओवर यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति, कोई वाहन, कोई लग्जरी आइटम आप लेना चाहें, कोई मकान लेना चाहें, कोई प्रवेश करना चाहें तो स्थिति आपके अनुकूल है, थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, लेकिन बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी फेस हो सकती है। तो संतान का सहयोग मिलेगा लेकिन बीच बीच में थोड़े मतभेद भी क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर स्थिति पक्ष में रहेगी। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, कोई विवाह शादी का उनका संबंध बनने जा रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी। विद्या, एजुकेशन, नौकरी, कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति और संतान से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बीच बीच में थोड़े मिश्रित फल जरूर मिल सकते हैं।
विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छी स्थिति है। थोड़े कन्फ्यूजन्स तो बढ़ेंगे लेकिन एकाग्र होकर पढ़ाई भी कर पाएंगे, आगामी शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। पर डिग्री मास्टर डिग्री लेनी है, थोड़ा असमंजस कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी लेकिन फिर भी अंततः आपको सफलता प्राप्त होगी। और आपके मन मुताबिक आपके अकॉर्डिंग आपके कोर्स एडमिशन करना चाहें तो आप प्रयास कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। 27 तारीख के बाद अच्छी स्थिति बनेगी, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कोई बड़ा लाभ कोई बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा लेकिन थोड़ा शत्रुओं से थोड़े सावधान रहें, कोई चोट फेट आपको लग सकती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई शत्रु कोई पीछे धोखा दे सकता है, लेकिन फिर भी शत्रुओं के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन फिर भी कोई जिसके ऊपर बहुत ट्रस्ट विश्वास करता है पीछे से आपको धोखा मिल सकता है। तो ऋण और रोग की स्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं तो वहाँ से भी आप राहत मिलेगी, वहाँ से भी आप बाहर आने की संभावना आपकी रहेगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनेगी 18 तारीख के बाद स्थिति आपके पक्ष में आपके फेवर में बनेगी। 18 तारीख तक तो थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, थोड़ा घर में अशांति या पति पत्नी एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंता, विवाह शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं, विवाह संबंध में और प्रेम संबंधों में कोई प्रॉब्लम, बिजनेस साझेदारी व्यवसाय पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम, लेकिन 18 तारीख के बाद स्थिति इसके विपरीत हो जाएगी। 18 तारीख के बाद कोई कार्य व्यवसाय बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं कि ये सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पति पत्नी के संबंधों में पर मजबूती आएगी, प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा और आपका विवाह शादी कहीं बनने जा रही है तो आप विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। तो प्रयास कीजिए 18 तारीख के बाद अच्छी स्थिति 18 तारीख तक, थोड़ी स्थिति आपकी प्रतिकूल रहने वाली है। अचानक से कोई चोट फेट एक्सीडेंट, कोई हॉस्पिटलाइज होना, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई बीमारी आपको हो सकती है, कोई बड़ा नुकसान पैसे का भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन भाग्य आपको तरक्की उन्नति का अवसर देगा, भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं आपकी होंगी, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, भगवान की आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग और उनका आशीर्वाद उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे तो थोड़ा प्रयास थोड़ा परिश्रम करने की जरूरत है, निश्चित रूप से सफलता सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। करियर को लेकर थोड़ा सा इस समय परिश्रम और संघर्ष का समय है। अगर आप करियर से रिलेटेड कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, व्यापारी हैं, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। आप कोई नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन मत करें, नौकरी परिवर्तन मत करें, कोई स्थान परिवर्तन मत करें, जो जैसा उसको यथावत वैसे ही चल रहे हैं। और अगर कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी कोई बहुत बड़ा बदलाव फिलहाल मत लाएं, नहीं तो स्थिति थोड़ी ख़राब हो सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है। जो जैसा है उसी में फिलहाल पुरुषार्थ थोड़ी मेहनत करते रहें, चूँकि यह समय अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद स्थिति फिर आपकी चेंज होगी तो एकदम स्थिति आपके पक्ष में आएगी, फिर आपको डिसीजन ले सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं तो यहाँ स्थिति ठीक है। जमा जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, एक स्रोत आपके बने हुए, उसमें कोई रुकावट कोई व्यवधान आ रहे थे दूर होंगे और बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। धन का आगमन सुचारू रूप से आपका स्टार्ट हो सकता है। बड़े भाई बहन मित्र वर्ग खास तौर से एज में आपसे बड़े हैं, उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ, नए संबंध स्थापित होंगे, कोई फाइनेंशियल लाभ, कोई सहयोग उनसे आपको जरूर मिलेगा। अच्छी स्थिति है। विदेशों में है तो थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर केतु संचार कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और वहाँ के लॉर्ड अभी 6th हाउस में है आपके शुक्र, तो ये 18 तारीख तक स्थिति थोड़ी अनुकूल नहीं है। 18 तारीख के बाद स्थिति फिर आपको तो तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, विदेशों की ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं, लाभ मिलेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, नए संबंध बनेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है। 18 तारीख के बाद स्थिति आपके फेवर में बनेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित भी होते हैं और आपका मार्गदर्शन भी होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में आपके अनुकूल चल रही है तो संभवतः दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आए और यह महा आपके लिए उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है तो संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, साथ में एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, उनकी आरती कीजिए। मंगलवार को शुद्धता प्योरिटी से रहे, लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को मंगलवार को चढ़ाएं, प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं और साथ में पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।